हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आप लोग जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम स्पीड से आगे जा रही होती है। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज इंपोज कर दूँ, मैं किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर दूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कोई चेंज कर दूं, मैं प्रेशर में कोई चेंज कर दूं, कोई भी ऐसा चेंज कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट सेम नहीं रह पाएंगी। या तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी बैकवर्ड की कंपैरेटिवली, या बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी फॉरवर्ड की कंपैरेटिवली, लेकिन ये कंडीशन लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। थोड़ी देर के बाद में या तो फॉरवर्ड फास्ट होती हुई या बैकवर्ड फास्ट होती हुई दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेती है। तो इस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं, दैट इज नोन एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन एनी इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड सून इट विल रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ बाय मूविंग आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये डिस्टर्ब तो होगा लेकिन जल्दी ही अपने आप को ये रीस्टेब्लिश कर लेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली क्या बताता है कि जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट मूव करके रीस्टेब्लिश करेगा या बैकवर्ड रिएक्शन में मूव करके अपने आप को रीस्टेब्लिश करेगा। एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आएगी। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी, गैसियस फेज में है सबके सब। मान लीजिए कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इसको मैं नंबर वन एक्सप्रेशन दे देता हूं, और क्योंकि मैं के सी यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही मान लीजिए मेरे सी की कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर दूं, अगर मैंने बाहर से मान लीजिए सी मिला दी, तो आप मुझे बताइए उस सेकंड पर जैसे ही मैंने सी की कंसंट्रेशन में इंक्रीज किया है वो वैल्यू जब यहां पुट की जाएगी अब इनका रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन के जो रेशियो होते हैं उनको हम शो करते हैं एक नए कोफिशियंट से, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, उसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट, उसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट, और इसको क्यू सी से डिनोट करते हैं। हालांकि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वही होता है, सी डी बाय ए एन बी। बस इतना सा फर्क है कि ये जो कंसंट्रेशन पुट की जाएंगी ये होगी एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कंडीशन जो पुट की जाएंगी ये होंगी एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। और केसी का जो क्राइटेरिया है वो कब होता है, एट इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि केसी भी वही रेशियो है कंसंट्रेशन का जैसा क्यूसी है, बस फर्क इतना सा है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी तो केसी बोला जाता है। इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होती है, चाहे रिएक्शन स्टार्ट हुई हो या आपने उस रिएक्शन को डिस्टर्ब किया हो, उन दोनों ही कंडीशन में जो कोफिशिएंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्यूसी। अब किस तरह से क्यूसी और केसी मिलकर इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को तय करेंगे आइए हम देखते हैं। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं क्यूसी के बारे में कि क्यूसी की वैल्यू जब केसी की वैल्यू से कम होती है तब इसका मतलब रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम है, याद रखिएगा, तो रिएक्शन आपकी कहाँ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से बड़ी है तो रिएक्शन आपकी कहाँ मूव कर रही है, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ जाए तो फिर हम एक तरह से क्यूसी लेते ही नहीं है बेसिकली, फिर हम केसी लेंगे, यानी कि वो कौन सी कंडीशन आ चुकी है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यूसी केसी के बराबर हो जाता है, और जब क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी और हम उसको क्यूसी नहीं लिखेंगे, तब उस कोफिशिएंट को हम क्या लिखा करेंगे, केसी लिखा करेंगे।
अब आप कहेंगे सर हमें पता कैसे लगेगा क्यूसी की वैल्यू कम है कि क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है, तो आप बिल्कुल सिंपल से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। वन बाय वन हम इसके सभी फैक्टर्स स्टडी करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेगा आप। तो अगर मैं इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पर, तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की, कि अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज करता हूं, तो रिएक्शन डिस्टर्ब होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। एक छोटी सी बात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री वाइज रिएक्शंस आपकी तीन टाइप की होती है। एक रिएक्शंस होती है जिनमें डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी रिएक्शंस होती है जिनमें डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो होती है। जिन रिएक्शंस में डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनमें गैसियस प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं गैसियस रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स गैसियस ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जिन रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव होती है उनमें रिएक्टेंट गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट गैसेस की कंपैरेटिवली, प्रोडक्ट गैसेस की कंपैरेटिवली। और जिन रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो होती है उनमें दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल्स और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स सेम होते हैं, तो इस बेस पे हम रिएक्शंस को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर मुझे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन की नेचर आपकी कैसी है। रिएक्शन चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाली हो, चाहे नेगेटिव वाली हो, चाहे जीरो वाली हो, सभी में कंसंट्रेशन चेंज करने से जो इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट पड़ता है वो सेम पड़ता है। तो आप कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं, इसको मैं री एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में। तो पहले मैं ले रहा हूँ जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, हालांकि वो फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ली PCl5 डबल एरो PCl3+Cl2, ये मेरी एक रिएक्शन है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इक्विलिब्रियम पर मैंने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में को चेंज कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। अब उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वो हमें देखना है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर सबके मोल्स इक्वल हैं, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर सभी के मोल्स इक्वल हैं, तो इनके जो एक्टिव मास होंगे वो एन बाय वी होंगे, सबके इक्वल है, वॉल्यूम तो सेम ही होता कंटेनर का। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो केसी की वैल्यू आई एन अपॉन वी अपॉन एन अपॉन वी, एज यू नो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो मैंने जब चेक किया तो ये वैल्यू आई एन अपॉन वी के बराबर, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है एन अपॉन वी। अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने PCl5 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, सपोज मैंने PCl5 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो अब क्या हो गया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये हो गया 2n/v, वो तो उतना ही है n/v n/v। और जैसे ही मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मैंने बोला। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो कौन सा कांस्टेंट उसको रेगुलेट करेगा, क्यूसी। तो क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी मैथमेटिकली तो सेम ही है एन अपॉन वी प्रोडक्ट के लिए, और रिएक्टेंट अब कितना हो चुका है 2n/v। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो n/v से n/v कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 बच जाएगा, तो जो क्यूसी की वैल्यू आएगी वो n/2 भी आएगी। हम जानते हैं n/v की वैल्यू केसी के बराबर है, तो क्या मैं कह दूंगा कि इस बार जो क्यूसी हो गया वो केसी का हाफ हो गया बेटे, यानी कि क्यूसी कितना हो गया हाफ ऑफ केसी। शॉर्ट में कहूं तो क्यूसी केसी से क्या हो गया कम हो गया। और मैंने आपको बोला था जब भी क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम हो जाएगी तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी।
रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एक जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं कि जिन जो कोई भी रिएक्शन हो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाली कि नेगेटिव वाली कि जीरो वाली, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये तो मैंने बात की जिन रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव थी। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, डेल्टा एनजी वाला नेगेटिव वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों टाइप के रिएक्शन से सेम लगता है। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी, सपोज मैंने रिएक्शन लिखी N2+3H2 गिव्स 2NH3। आप लोग जानते हो इसके अंदर डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, कैसे कर लेते हैं लोग, डेल्टा एनजी होता है प्रोडक्ट के मोल्स 2 - रिएक्टेंट के मोल्स। तो साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 है। डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 का मतलब डेल्टा एनजी नेगेटिव हो गया। तो अगर यहां पर भी मैं वही क्राइटेरिया लगाऊं, N/V, 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 तो केसी कितना होगा बच्चों, N/V का स्क्वेयर तो ऊपर आएगा एज द स्टोइकोमेट्री ऑफ अमोनिया इज 2, एंड N/V और N/V की पावर 3 आएगी नीचे हाइड्रोजन के कारण, ठीक है ना। अब दो पावर से तो दो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां मेरा वैल्यू आ जाएगी N/V की पावर 2 या V/N की पावर 2 ऊपर जाएगा। तो ये KCS को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन को डबल कर दिया, अगर नाइट्रोजन को मैंने कर दिया 2N/V, तो फिर अब नया कॉन्स्टेंट कौन सा डील करा जाएगा, QC। QC में क्या करूंगा, अमोनिया तो N/V ही है लेकिन यहां हो गया 2N/V और वहां भी N/V का क्यूब, तो मैं एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दूंगा, ठीक बात है, एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दूंगा, लेकिन इस बार एक पावर N/V ये रहा एक ये रहा, तो N/V के स्क्वेयर के अलावा नीचे मेरे पास 2 भी रहेगा। और ये अगर वैल्यू 1/N/V का स्क्वेयर KC के बराबर है, तो क्या इस बार आपका जो QC है बेटे वो KC/2 हो गया वापस, यानी कि अभी भी QC इज लेसर देन KC है, यानी कि ये रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू चाहे कोई भी हो, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और इसका उल्टा भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कंसंट्रेशन के बाद बात करेंगे प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम प्रेशर की, जो आप टोटल प्रेशर लिखते हो इक्विलिब्रियम पर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं उन रिएक्शंस के अंदर जिनमें डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो वापस आपको बताइए मैं कौन से रिएक्शन लेने वाला हूं, PCl5, PCl3+Cl2। मान लीजिए आपकी ये रिएक्शन चल रही थी और प्रेशर का इफेक्ट है, तो बेटर है मैं केपी को यूज करूं। सपोज इक्विलिब्रियम पर इन तीनों गैसेस के मोल्स एन थे बच्चों, तो केपी क्या होता है आप जानते ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। और कैसे निकलते हैं पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कैसे निकलते हैं बताइए, PCl3 का आंशिक दाब क्या होगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं 3N * टोटल प्रेशर। ये किसका आंशिक दाब है, ये PCl3 का आंशिक दाब है। दोबारा देखिए आंशिक दाब का फॉर्मूला याद कीजिए, डाल्टन लॉ में पढ़ाया था, उस गैस के मोल्स अपॉन इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। तो जो आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर PCl3 का है, क्या सेम टू सेम Cl2 का होगा, तो इसको स्क्वेयर कर दूं भाई, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है आपने, ऐसे ही नीचे नीचे PCl5 के लिए क्या आएगा, यही वापस N/3N * P। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं,
एक पावर से बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे पता लग गया कि इस रिएक्शन का केपी कितना आना चाहिए, P/3। अब मैंने आपको पढ़ा रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर और किन रिएक्शंस में जिनमें डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, सपोज अब नया प्रेशर हो गया इनिशियल प्रेशर का डबल, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जो QP आएगा, QP आएगा ना इस बार QC की जगह, अगर ये आ रहा है P/3 और प्रेशर मैंने डबल कर दिया, तो अब QP कितना आएगा बेटे, 2P/3। यानी कि ये जो QP होगा वो 2 × KP होगा। भाई KP की वैल्यू थी ना P/3, तो अगर ये आ गया 2P/3 तो भाई डबल हो गया। डबल का मेरा मतलब है कि QP अब बड़ा हो गया KP से, और जब भी QP की वैल्यू KP से बड़ी हो जाती है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जिन रिएक्शन में डेल्टा एन जी पॉजिटिव था उनमें आपका केपी आ रहा था P/3। सोचो अगर ये रिएक्शन रिवर्स करके करता, ये रिएक्शन में रिवर्स करता तो रिएक्टेंट तो हो जाते PCl3 और Cl2 और प्रोडक्ट हो जाता PCl5, फिर ये वैल्यू रिवर्स फॉर्म में आती, ये वैल्यू आपकी 3/P आती। और अगर ये वैल्यू आपकी 3/P आती तो अगली बार जो वैल्यू आती QP की वो क्या होती, उससे कम आती, 3/P से कम आती, 3/ आपकी 2P आती। तो मैं सीधा बोल देता कि ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होती है उनमें प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो आप क्या याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि जिन रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनमें प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जाती है बैकवर्ड, एज यू कैन सी ये रहा। जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है नेगेटिव उन रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड, और जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो होती है तो उन रिएक्शंस में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो आपको प्रेशर से रिलेटेड याद रखने। तो पहली बात हुई हमने कंसंट्रेशन की, दूसरी बात होगी प्रेशर की। आइए अब हम तीसरी बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की, कि अगर कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसमें भी मुझे लेना पड़ेगा क्राइटेरिया डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाली रिएक्शन में, समझा देता हूँ फिर मैं रिवर्स कर दिया करूंगा, ठीक है ना। मेरे पास रिएक्शन है PCl5 डबल एरो PCl3+Cl2, ये मेरी रिएक्शन है। तो मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम V है और सबके मोल्स N है। आप ये मत सोच लेना कि हर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते हैं, तो मैं ले रहा हूं ताकि इजी एक्सप्रेशन बने, कोई जरूरी नहीं है कि सबके मोल्स इक्विलिब्रियम पे बराबर होंगे, मैं ले सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैंने वॉल्यूम लिया है वी, तो क्या मेरा केसी की वैल्यू N/V अपॉन N/V के कारण मेरा जो केसी आएगा बेटे वो N/V आएगा। और अगर मैंने नया वॉल्यूम पुराने वाले का डबल कर लिया तो इन तो कांस्टेंट कौन सा लिया जाएगा, QC। तो अब क्या होगा बेटे, N/2V, भाई N को तो चेंज किया नहीं, पिछली बार तो मैंने मोल को चेंज किया था, इस बार मोल तो उतना ही है, वॉल्यूम को चेंज किया है, तो सभी के लिए वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये N/2V N/2V अपॉन N/2V, एक N/2V से एक N/2V कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार आ गया बच्चों N/2V। और अगर N/V की वैल्यू केसी के बराबर है तो इस बार केसी की वैल्यू QC की वैल्यू केसी की हाफ हो गई, और यानी कि आपको पता ही है जब भी QC की वैल्यू कम हो जाती है केसी से तो रिएक्शन कहाँ मूव करती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। रिएक्शन कहाँ मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। यानी क्या सीखे, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनमें वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, बाकी दोनों याद कर लो। जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उनमें वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है उनमें वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूं, नंबर 1, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है
तो वॉल्यूम में इंक्रीज करने पर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नंबर टू, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वॉल्यूम राइज करने पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है तो वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज करने पर प्रेशर की ही तरह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर की तरह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह से हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट और वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, चौथा, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक और इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं चौथा, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम मैथमेटिकली जिस तरह से मैं बता रहा था आपको नहीं बता सकते, क्योंकि टेम्परेचर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं होता। तो यहां हमें केवल लॉजिकली समझना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, हम बात करते हैं दो टाइप की रिएक्शंस की। एक ऐसी रिएक्शन जिनकी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होती है, जिनका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और दूसरी वो रिएक्शन जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सपोज आपकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक, ए प्लस बी, डेल्टा एन जी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ऊपर लिख देता हूं स्टार डाल के, डेल्टा एन जी हैज नो रोल ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो आप यही सीख लो, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं तो डेल्टा एन जी कुछ भी हो सब में ऐसे ही आंसर आता है। बस आपको ये देखना है कि रिएक्शन की नेचर कैसी है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। आप लोग जानते हो बच्चों, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं तो उसमें कुछ एनर्जी, सॉरी, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो मैंने उस एनर्जी को एक्स यही लिख दिया रिएक्टेंट साइड में। भाई एनर्जी बाहर से सप्लाई करोगे तब तो रिएक्शन मूव करेगी ना। ऐसी रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है बेटे, ऐसी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम जब बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो मैथमेटिकली तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि केपी और केसी में या क्यूपी और क्यूसी में टेम्परेचर तो आता नहीं। तो हम इसको लॉजिकली समझाते हैं। हम कहते हैं कि टेम्परेचर भी रिएक्टेंट साइड आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इसको रिएक्टेंट मान के डील कर लो, क्योंकि जब तक ये आएगा नहीं रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाता था, अब तक रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाता था तो विदाउट कंसीडरिंग डेल्टा एन जी चेंज, हम सीधा सीधा कहते थे रिएक्शन कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मैंने फर्स्ट इफेक्ट बढ़ाया आपको, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला, इस इफेक्ट के लिए हमें डेल्टा एन जी देखने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स क्राइटेरिया था कि अगर रिएक्टेंट ऐड होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट ऐड होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो जैसे ही मैं एक्स किलो जूल ऐड करूंगा, एक तरह से मैं रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूं, तो विदाउट एनी डाउट रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कौन सी हुई, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कौन सी हुई, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर में अगर इंक्रीज करूंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर मैं टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी। और अगर इसका उलट, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती, हम मान लीजिए नेगेटिव वाला एग्जाम्पल देखें, सपोज मेरे पास ए प्लस बी सी, अब प्लस एक्स किलो जूल, मैंने प्रोडक्ट साइड लिख दिया क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एग्जिट करती है, एग्जिट का मतलब प्रोडक्ट साइड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं और हीट दूंगा तो एक तरह से मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं। भाई हीट क्या मान लो, प्रोडक्ट मान लो, जैसे पिछली बार आप इसको रिएक्टेंट मान रहे थे, इस बार क्या मान लो, प्रोडक्ट। और जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो रिएक्शन कहां जाती है, बट ऑब्वियस
रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो मैं क्या कहूंगा इस क्राइटेरिया के बेस पर कि अगर डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि अगर आपकी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच के साइन से पता लग जाएगा आपको, तो उल्टा रिजल्ट आएगा बेटे। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगी। इस तरह से हम अलग अलग रिएक्शंस में एंडो या एक्सो के बेस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। ये तो बात होगी चार पॉइंट की। अब मैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब मैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन गैस। फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो है वो प्रैक्टिकली सोचो दो तरह से ऐड कर सकते हो। अगर उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, मान लीजिए कोई कांच का कंटेनर है, गोल फ्लास्क है, कांच का बंद है पूरा, अगर आप उसमें इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या होगा? क्या वॉल्यूम बढ़ेगा कंटेनर का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांच का वॉल्यूम का कंटेनर का फिक्स है। लेकिन ये जरूर है कि इनर्ट गैस ऐड होगी तो प्रेशर जरूर राइज होगा, प्रेशर में राइज। अगर प्रेशर राइज होगा तो मैं कहूंगा कि इंपैक्ट किसी और तरह का आएगा। किसकी कंपैरेटिवली? जब मैं किसी पिस्टन कंटेनिंग कंटेनर के ऊपर के अंदर हीलियम गैस या इनर्ट गैस ऐड करूं, मान लो किसी गैस कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, जब भी पिस्टन दे रहे हैं आपको समझ आना वॉल्यूम में वेरी, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो आप सोचिए, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर गैस ऐड कर दी हीलियम या कोई नियोन वगैरह, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि इनर्ट गैस का एडिशन हमें देखना पड़ेगा कैसे करवाया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में करवाया जा रहा है या कांस्टेंट प्रेशर में करवाया जा रहा है। दोनों में इसका इंपैक्ट अलग अलग तरह से आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें भी हम अलग अलग गैसेस लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग केसेस लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सॉरी। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाला केस है, याद रखना, और मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो आइए बात करते हैं PCl5 डबल एरो PCl3+Cl। ठीक है, वापस वही करते हैं बेटे, n बाय वी और n बाय वी। तो जो Kc की वैल्यू थी, अब मैं बार बार क्या लिखूं बताइए आपको, Kc की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दिस डिवाइडेड बाय n बाय वी, तो इट मस्ट बी n बाय वी फर्स्ट। नाउ आई हैव पुट n मोल्स ऑफ हीलियम गैस इनटू इट। मान लीजिए मैंने n मोल हीलियम के बीच में ऐड कर दिए, एन मोल हीलियम ऐड कर दिए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्लोरीन के मोल्स में? नहीं। क्या PCl3 के मोल्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या PCl5 के मोल्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर जब आप एड ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो, बर्तन का वॉल्यूम ही फिक्स है, तो वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ना तो एन में कोई चेंज आएगा ना वी में कोई चेंज आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या बोलूंगा, नो इफेक्ट। अब आप इतनी बात समझ जाओगे कि अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव भी होता, मान लो रिएक्शन उल्टी भी करवाता, तो भी क्या फर्क पड़ता? ना तो एन में कोई चेंज होता ना वी में कोई चेंज होता। एन में इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं ऐड कर रहा, और वी में इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिया हुआ है। यानी कि अगर आपने इनर्ट गैस को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिएक्शन डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाली हो, चाहे नेगेटिव वाली हो, चाहे जीरो वाली हो, आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैं सीधा सा एक पॉइंट लिख देता हूं, नो इफेक्ट ऑन द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, दैट्स इट। रिएक्शन कैसी मर्जी हो, रिएक्शन कैसी मर्जी हो, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर दिया, तो चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाली रिएक्शन हो, चाहे डेल्टा एनजी नेगेटिव वाली रिएक्शन हो, चाहे डेल्टा एनजी जीरो वाली रिएक्शन हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं बात करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप ऐड करते हो तो क्या होता है। अब मैं बात करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप गैस ऐड करते हो तो क्या होता है। आइए, कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं बी पॉइंट ले रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पर
आपको अच्छे से पता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और हम नोबल गैस या इनर्ट गैस कोई ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर राइज करेगा। तो प्रेशर क्या करेगा, राइज करेगा। तो मैं पहला क्राइटेरिया वही ले रहा हूँ, डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाला, डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन फिक्स है अपने, पी सी एल फाइव, पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू। अगर बातें प्रेशर की चल रही है तो क्यों ना मैं केपी को यूज करूं। तो अगर मान लीजिए इसके भी मोल एन थे बेटे, इसके भी मोल एन थे, इसके भी मोल एन थे, तो केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री। पता ही है आपको पीसीएल थ्री का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, वापस मामला नहीं लिख रहा, पीसीएल थ्री के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, याद करो अभी किया था, इंटू पी। और आपको पता है जितना पार्शियल प्रेशर पीसीएल थ्री का होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर सीएल टू का भी होगा, क्योंकि तो जिन गैसेस के मोल्स इक्वल होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही नीचे क्या करूंगा बेटा, एन अपॉन थ्री एन इंटू पी। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता ही है केपी कितना आ रहा था बेटे, पी बाय थ्री। मान लीजिए पिछली बार टोटल गैस गैस के मोल्स जो थे, टोटल मोल्स थे थ्री एन, इक्विलिब्रियम पर देख लीजिए एन एन एन, मान लीजिए मैंने इसमें थ्री एन मोल्स इनर्ट गैस के भी ऐड कर दिए, तो अब जो टोटल मोल्स हो गए वो कितने हो गए, सपोज सिक्स एन। तो आप मुझे बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मोल्स डबल हो जाएंगे तो क्या प्रेशर भी डबल नहीं हो जाए। एज यू नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, आप लोगों ने सबने गेलुसेक लॉ पढ़ा हुआ है। तो अगर मोल्स डबल हो जाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो पिछली बार जो प्रेशर था वो अगर पी था तो इस बार जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा बेटा, टू पी आएगा। तो क्यूपी की वैल्यू जो होगी, जो पिछली बार पी बाय थ्री आ रही थी, वो इस बार कितनी आएगी, टू पी बाय थ्री आएगी। भाई पहले मोल थ्री एन थे तब प्रेशर पी था, अब मोल हो गए सिक्स एन तो प्रेशर कितना हो गया होगा, टू पी। तो अब इस बार आएगा टू पी बाय थ्री। हम जानते हैं पी बाय थ्री की फिक्स वैल्यू तो केपी के बराबर है, यानी कि इस बार क्यूपी जो आएगा वो केपी का डबल आएगा। इन शॉर्ट क्यूपी विल बी ग्रेटर देन केपी। और आपको पता है क्या होता है, जब क्यूपी केपी से बड़ा होता है तो रिएक्शन कहाँ मूव करती है, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। रिएक्शन कहाँ मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो क्या याद रखोगे, नंबर वन पॉइंट, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर, भाई वॉल्यूम की तो बात खत्म हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो कुछ नहीं होगा, कैसी मर्जी रिएक्शन हो, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आपने इनर्ट गैस डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाली रिएक्शंस में ऐड की तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने डेल्टा एन जी नेगेटिव वालों में की तो जस्ट इसका उल्टा होगा, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें भी जो तीसरा केस है, अगर डेल्टा एन जी जीरो वाली रिएक्शन में आपने इनर्ट गैस ऐड की तो कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी चीजें आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर पढ़नी है। पहली बात मैंने क्या बोली कि इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, देन इट गेट्स डिस्टर्ब। अगर आपने इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज किया तो ये एक बार के लिए तो डिस्टर्ब हो जाता है, बट सून इट री एस्टेब्लिशेस इटसेल्फ बाय मूविंग आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये अपने आप को दोबारा पुनः स्थापित करता है, या तो फॉरवर्ड में जाकर या बैकवर्ड में जाकर। इस लॉ को हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये कहाँ जाएगा, जहां दिए गए इस चेंज का इंपैक्ट खत्म हो रहा हो, इट विल मूव टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, या हम कैसे बोलते थ्योरेटिकली, जिस डायरेक्शन में जाने पर जो चेंज आपने किया है वो खत्म हो सके। मतलब इक्विलिब्रियम नेवर लाइक चेंजेस, इक्विलिब्रियम को चेंजेस पसंद नहीं है। आपको कैसे, क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए आपने रिएक्टेंट को डबल कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम को ही पसंद नहीं आया चेंज। इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि रिएक्टेंट को मैं वापस उतना ही कर दूं जितना पहले था। तो आप मुझे बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके करेगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ गया है तो बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो कंज्यूम होगा ना, अगर रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो और बनने लग जाएगा। तो
तो यानी कि रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन कहाँ लेके जाता है, वो फॉरवर्ड में, ताकि जो एक्स्ट्रा आपने रिएक्टेंट ऐड किए वो जल्दी से कंज्यूम हो जाए और इक्विलिब्रियम कंडीशन वापस रीस्टैब्लिश हो जाए। तो अगर वो आपसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है शिफ्टिंग की वो कहाँ होती है, इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द चेंज, जिस तरफ जाने पर आप द्वारा किए गए चेंज का इफेक्ट खत्म होता हो उस तरफ वो मूव करता है। वो अलग बात है कि वो पूरा खत्म कभी नहीं कर पाता, पर उसकी डायरेक्शन यही होती है कि जो आप चेंज करोगे उसका विरोध करेगा। मान लीजिए आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन को नीचे कर दिया, अब इसकी सारी टेंडेंसी क्या है, प्रेशर को वापस उसी पॉइंट पर लाने की है। अब आप मुझे बताओ प्रेशर का क्या सीधा सीधा कंसर्न किससे होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से होता है, तो ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां गैस के मोल्स कम हो रहे हो, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया होता तो ये उसको बढ़ाने की टेंडेंसी रखता, और बढ़ाने का मतलब ये उस डायरेक्शन में मूव करता जहां गैस के मोल्स बढ़ रहे होते। तो ली चटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है कि पहली बात तो ये बताता है कि जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी देर के बाद रीएस्टैब्लिश होगा। अब डिस्टर्ब होने से लेकर रीएस्टैब्लिश होने तक ये किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करता है, उस डायरेक्शन को बताना है किससे, ली चैटलियर प्रिंसिपल से। तो मैंने सीधा सा फंडा बता दिया, जो चेंज आपने किया उसको उलट करने के लिए ये मूव करता है। तो रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट की बढ़ाते हो तो बैकवर्ड आता है। तो इतनी चीजें आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़नी है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।